हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, एक ऐसा केस लेकर आया हूं मैं, और उस केस के लिए मुझे एक अच्छी वीडियोस भी मिली दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि उसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए कि ये वीडियोस आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं। उन सब लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं जो अमेरिका जा रहे हो, जो यूरोप जा रहे हो, जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, कैनेडा जा रहे हो, न्यूजीलैंड जा रहे हो, यूके जा रहे हो, इवन आप गल्फ कंट्री पे जा रहे हो दोस्तों, कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपनी तैयारी सही तरीके से नहीं करते हैं और ट्रेवल कर जाते हैं और फिर उनको मिलता है एक डिपोर्टेशन का स्टैम्प, वापसी कर दिया जाता है। दो तीन चीजें आज वीडियो में बताऊंगा मैं। पहले आपको दोस्तों एक वीडियो दिखाता हूं, अब देखिए इसको। पासपोर्ट प्लीज, व्हाई आर यू कमिंग टू द यूएस टुडे? हाय ऑफिसर, कमिंग ऑन वेकेशन। एंड हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग ऑन स्टेइंग? 10-15 days. Let me see your return ticket, please. I don't have one, but I will get one soon. And where are you planning on staying? With my girlfriend. Listen, Martin, your answers are not very convincing. Follow me to secondary inspection and have your phone ready. They were going to inspect it. Whoa. Give me your phone unlocked, please. Yes, here you go. 8 hours later. Are you sure you didn't come to work here? Yes, 100% sure. And what about this WhatsApp message and this email? No, I can explain, officer. And what are you going to explain me, Martin? That you work in the bar in Miami for $2,200? Look, Martin, you will be deported for violating the terms of your tourist visa. Please wait right here, I'm going to bring you some documents to sign. Officer, but please, can I at least say goodbye to my girlfriend? She's waiting outside, I haven't seen her in months. Sure, you can be with your girlfriend as much as you want when you get back to your country. Next. तो आपने वीडियो देख लिया। अब इस वीडियो में जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, उसने क्लियर बात पूछा कि आप अमेरिका क्यों आए। उसने सही जवाब दिया। आप अमेरिका कितने दिन के लिए आए, उसने ये भी सही जवाब दिया। आपके रिटर्न टिकट कहाँ है? यहाँ पे एक्चुअली होता ये है कि कुछ केसेस में मैं भी रिटर्न टिकट नहीं लेके जाता हूँ, लेकिन जब वो मेरा पासपोर्ट देखते हैं और देखते हैं, जब कभी कभी बिजनेस कार्ड मांगते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि रेगुलर ट्रेवलर है, ये आएगा और चले जाएगा। बट इस केस में क्या हुआ होगा कि इस बंदे पे इमिग्रेशन ऑफिसर को शक हो गया। शक इस तरह का हुआ कि भाई, बंदे के पास रिटर्न टिकट भी नहीं है और 10-15 दिन के लिए रहेगा, इसको जगह भी नहीं पता कहाँ रहना है, कुछ भी इसका इन्फॉर्मेशन बराबर नहीं दे रहा, तो उसका मोबाइल मांगा गया। दोस्तों, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट मांगता है, जो कि मोबाइल बहुत बड़ा चीज़ होता है। मैं आपको एक स्मॉल सी चीज़ बताऊंगा। एक बंदे को अमेरिका वीज़ा मिला, मुझे मैसेज किया कि भाई, मैं जा रहा हूँ टेक्सास, जिस तरह आपने वीडियो बनाया था, मैं जाके वहाँ पर नौकरी करूँगा। मैंने उसको एक सवाल पूछा, क्या तुमने जाने के पहले किसी भी बंदे से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल मीडिया पे चैट करके नौकरी के बारे में पता किया? उसने बोला हाँ। मैं बोला, सबसे पहले उसको डिलीट कर दो या मोबाइल को फॉर्मेट करके जाओ, और अगर जिस मोबाइल में बात की हो चाहिए तो उस मोबाइल को रख के चले जाओ, हिस्ट्री डिलीट करो, और हिस्ट्री डिलीट करने के 30 दिन के बाद ट्रेवल करो, क्योंकि कभी कभी हिस्ट्री रिकवर भी कर जाती है। लोग इतना अंदर तक नहीं जाएंगे, फिर भी जिस पे आपका बात हुआ उसको क्लियर करके जाओ, क्योंकि वंस यू लैंड इन JFK, न्यूयॉर्क में जैसे लैंड करोगे, शिकागो में या जहाँ भी आप लैंड करोगे, अगर उनको शक हुआ तो आपसे पहले मांगा जाएगा कि भाई, आपका टिकट दो। अब टिकट के केस में एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसके व्यूज भी बहुत अच्छे, 2.5 लाख लोगों ने उसको देखा भी है। डिपोर्टेशन क्यों हुआ था, क्योंकि उसका रिटर्न टिकट सही नहीं था। और एक केस में तो ऐसा हुआ था कि इस बंदे ने, अभी रिसेंटली मेरे पास एक बंदा आया था जिसको न्यूजीलैंड से डिपोर्ट किया गया था, इसके लिए कि उसने टिकट तो लिया था, बट उसने क्या किया, ट्रेवल करते समय उसने टिकट को कैंसिल कर दिया। ये गलती आपको नहीं करना। अगर आपने टिकट लिया है तो जब तक आपका इमिग्रेशन क्लियर नहीं हो जाता, उस टिकट को आपको कैंसिल नहीं करना है। और कोई भी टिकट, आपको एक सबसे अच्छा, एक बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ, एमिरेट्स एक ऐसा फ्लाइट है, एयरलाइन है, जो आपको 100% रिफंड का एक टिकट ऑप्शन देती है। बट क्या होता है कि जो टिकट 500 का होता है वो टिकट आपको मिलेगा 20,000 का, सॉरी, जिसका 5,000 कीमत होगा उसको 20,000 का कीमत मिलेगा। लेकिन 20,000 का कीमत में फायदा यह है कि आप 100% रिफंडेबल ले सकते हो, लेकिन रिफंडेबल आने के लिए 7 से 10 दिन या 20 दिन लग जाते हैं। बट इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल टिकट होता है, और इमिरेट्स का टिकट होता है जेन्युइन टिकट होता है, और जैसे आप एग्जिट कर जाओ या जैसे आपको इमिग्रेशन हो जाए, आप उसको कैंसिल कर सकते हो। दूसरी बात,
होटल बुकिंग आपको वही लेनी है जिसको कॉल करके कंफर्म करे कि इस बंदे के नाम से होटल बुकिंग है या नहीं है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और आपको खुद मालूम होना चाहिए कि कब कहाँ कितने दिन के रहने वाले हो। वीजा मिलने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी कंट्री एंट्री देगी, आपको इमिग्रेशन जो बॉर्डर अथॉरिटी होती है जिसको बॉर्डर फोर्स बोलते हैं वो आपको डिनाइड कर सकती है एंट्री के लिए। अब इस केस में इनके साथ क्या हो, इस बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बोलता मैं रहूंगा, उसकी गर्लफ्रेंड शायद बाहर वेट कर रही थी, लेकिन उसने जॉब्स के बारे में व्हाट्सएप पे बात किया था, तो उसने बोला कि जब तुम टूरिज्म के लिए आ रहे हो तो तुमने ये सब क्या है तुम्हारे मैसेज में, फिर उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। और डिपोर्टेशन इतनी गंदी चीज़ है दोस्तों कि अगर आपको अमेरिका जैसी कंट्री डिपोर्ट कर दी तो मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ कोई भी कंट्री आपको वीज़ा नहीं देगी। तो डिपोर्टेशन के मामले में आपने अगर पासपोर्ट भी चेंज कर दिया, कुछ लोग होते हैं कि जो डिपोर्ट करते हैं वापस आके इंडिया में पासपोर्ट फाड़ देते हैं या कुछ करके बोल देते हैं पासपोर्ट गुम गया नया पासपोर्ट बनाते, बट याद रखना दोस्तों आपका ओल्ड पासपोर्ट का रिकॉर्ड नया पासपोर्ट में आ जाता है, आपका डेट ऑफ बर्थ आपका नाम वो सारे रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट की लिस्ट में। एक बार आप वापस एप्लीकेशन डालोगे तो उनको पूरा हिस्ट्री मिल जाता है आपके बारे में कि आपका डिपोर्टेशन कहाँ हुआ था, आपका वीज़ा कहाँ रिवोक हुआ था। जैसे कि माल्टा के केसेस में होता है ना कि जैसे यहाँ से बंदा माल्टा ट्रेवल करता है, एक बांग्लादेशी बंदे के साथ हमारे रिसेंटली हुआ, बेचारा बांग्लादेश एमिरेट्स से फ्लाइट से ट्रेवल किया, माल्टा में लैंड हुआ, और माल्टा में जब लैंड हुआ तो उसके जब ऑनर को कॉल किया गया तो पता चला कि उसका परमिट को रिवोक कर दिया गया है, उसके साथ एजेंट ने किया हो या उसके मालिक ने किया हो। रिवोक का मतलब मुझे उस बंदी की जरूरत नहीं है, मैंने इसका परमिट कैंसिल कर दिया है। तो दोस्तों साल भर मेहनत करने के बाद एक बांग्लादेशी बंदा एक पाकिस्तानी बंदे को रिवोक कर देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं या बांग्लादेशी जो लोग जो ट्रेवल करते खासकर बांग्लादेशी हमारे जो भाई है उनके लिए ऑप्शन ये है कि वो सिर्फ एमिरेट्स तुर्की से या कतर से, अभी कतर शायद बंद कर दिया तो तुर्की से या एमिरेट्स आपको ट्रेवल करना होता है, थर्ड कंट्री में आप घुस नहीं सकते हो क्योंकि ढाका जो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो अलाउड नहीं करती है। तो इस केस में बेचारे वो बड़े परेशान होते हैं, तो उनको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक टेक्निक बताना चाहूँगा, जो टेक्निक आप चाहो तो यूज़ कर लो। आप कोई भी ऐसी कंट्री में चले जाओ, फॉर एग्जाम्पल दुबई का वीज़ा निकाल लो, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी कंट्री जो आपको ई वीज़ा देती है या फिजिकल वीज़ा देती है जो जहाँ से आप दूसरी फ्लाइट लेके जा सकते हो, तो आप क्या करो दुबई आ जाओ। दुबई से आप अगर जाना चाहोगे थर्ड कंट्री हो के सेंजन में तो घुस सकते हो, लेकिन ढाका से पॉसिबल नहीं है, उस केस में आपका डिपोर्टेशन नहीं होगा। अभी अमेरिका के मामले में जिस बंदे को डिपोर्टेशन हुआ उसकी गर्लफ्रेंड का चैट पकड़ लिया, एक और चीज़ डिपोर्टेशन के मामले का और चीज़ बता देता हूँ, नया चीज़ टेक्निक समझा रहा हूँ। अगर आप माल्टा ट्रेवल कर रहे हो या फॉर एग्जाम्पल इटली ट्रेवल कर रहे हो, अगर आपको सवाल कर लिया कि किस काम में जा रहे हो तो आपको उस काम के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है, आपको उसके बारे में मालूम होनी ज़रूरी है, आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। शायद वो आपको टेक्निकली पॉइंट पूछ ले और आप अगर फेल हो गए तो आपको वहीं से डिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि आपने गलत तरीके से वीज़ा हासिल की सेंजन जोन में या अमेरिका लंदन कहीं भी एंट्री करने के लिए। तो दोस्तों ये जो वीडियोस मैंने बनाए हैं आप लोग के लिए, इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे रहा हूँ कि आपको टिकट कब कैंसिल करना है, आपको होटल कौन सा लेना है। दोस्तों एक चीज़ और बोलूँगा, जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो टूरिस्ट वीज़ा वाले मस्ट ट्रेवल इंश्योरेंस रखो, क्योंकि आजकल ट्रेवल इंश्योरेंस के नाम पे भी डिपोर्टेशन हो जाता है। तो ट्रेवल इंश्योरेंस मस्ट रखो भले आप जितने दिन के लिए भी जा रहे हो। वर्क वीज़ा वालों के लिए ट्रेवल इंश्योरेंस का टेंशन नहीं है, क्योंकि वर्क वीज़ा वाले उनको पता है कि लैंड होने के बाद उनको ट्रेवल वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस उनको मिल जाएगा, तो उनके लिए टेंशन नहीं है। जो लोग विजिट पे जाते हो या कनाडा यूएस विजिट पे जाते हो वो ट्रेवल इंश्योरेंस अपने पास रख लो, वो अच्छा होता है दिखाने के लिए। तो दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने दिए, इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के आपको देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी माल्टा के बारे में वीडियो बनाया था, फेक वीडियो बनाया था, मैं डिपोर्टेशन के बारे में तरह तरह का की वीडियो लेके आता दोस्तों। ये सारे इश्यूज को क्लियर करने के लिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वर्क परमिट के रिलेटेड, विजिट वीज़ा के रिलेटेड, सेंजन वीज़ा के रिलेटेड, दोस्तों मैं सब क्लियर करने के लिए आ रहा हूँ 25 फरवरी को 2024 चंडीगढ़ पंजाब में, जो कि आसपास के जितने लोग इसको ज्वाइन करें 1 जनवरी या 2 जनवरी से मैं इसका अपनी वेबसाइट tabrizwali.com पर रजिस्ट्रेशन चालू कर दूंगा। उसके अलावा इसकी एक फीस नॉमिनल फीस होगी जो पे करके आपको एक कोड मिल जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप हमारी टीम को सेंट्रल नंबर जो है 9988833584 पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो दुबई के नंबर पे 0564935584 पे, या ईमेल visasmali@gmail.com कर सकते हो, इंस्टाग्राम में हमारी आईडी है, हर इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों कैसी लगे आज की वीडियो जाते और हाँ दोस्तों एक चीज़ और बोलना भूल गया मैं, कि आप सबको
मालूमत नहीं तो मैं गिव अवे का जो ऑप्शन रखा आप सबके प्यार के लिए, 2 लाख सब्सक्राइबर होने पे, जब चंडीगढ़ में हो जाएगा 2 लाख सब्सक्राइबर, तो मैं 5 गिफ्ट रखा हूँ, फर्स्ट आईफोन, सेकंड आईपैड, थर्ड एप्पल वॉच, और 2 अलग गिफ्ट होंगे जो 5 लोग वहाँ पे लोगों को मिला जाएगा जो चंडीगढ़ में आएंगे। अगर 2 लाख सब्सक्राइबर मेरे हो जाते हैं तो मैं आपके मोहब्बत के लिए आपको गिफ्ट दूंगा। आप सब आइए और वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, तभी मेरे सबको सब्सक्राइब करता दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।